ओम शांति। आज हम बाबा की 1 मार्च 2024 की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने इस मुरली में हमें स्मृति दिलाई है कि हम यहाँ संगम युग पर बेहद की स्कूल में बैठे हैं। बाबा रोज हमें ईश्वरी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाबा कहते जितना ये ज्ञान रत्नों को हम धारण कर औरों को दान देंगे उतना अनेक आत्माओं के आशीर्वाद मिलेगी। ऊंच पद पाना है तो हमें अनेक आत्माओं के आशीर्वाद लेनी है। बाबा ने कहा कि बाबा के पास रजिस्टर भी रहता है, जैसे स्कूल में रजिस्टर रहता है, यहाँ भी बाबा चेक करते हैं कि बच्चों ने कितनी दैवी गुणों की धारणा की है। ज्ञान योग के साथ बाबा कहते हैं ये दैवी गुणों की धारणा बहुत जरूरी है। बाबा ने रजिस्टर में आज हमें 3 ग्रेड्स दिए हैं। बाबा ने कहा गुड, बेटर और बेस्ट। तो बच्चों को भी चेक करना है कि हमारी कितनी दैवी गुणों की धारणा हुई है और हम रजिस्टर में कितने मार्क्स जमा कर रहे हैं। बाबा कहते कि बच्चों को ये स्मृति दिलाई कि ये समय ये गीता एपिसोड भी चल रहा है। बाबा आकर हमें शिव भगवान वाच सच्ची गीता सुना रहे हैं। भक्ति में तो उन्होंने कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। बाबा कहते गीता में आदि में और अंत में दोनों में मन मनाभव अक्षर है, लेकिन ये जानते ही नहीं है कि मन मनाभव अर्थात आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना, देव भान को जीतना। तो ये शिक्षा शिव बाबा आकर हमें दे रहे हैं। बाबा कहते जितना हम याद में रहेंगे उतना बुद्धि रूपी जो सुई है वो उसकी कट जो है वो उतरती जाएगी, आत्मा पावन बनती जाएगी। तो बाबा कहते कशिश होगी, जितना प्यार से याद करेंगे उतना ये कशिश बढ़ती जाएगी। बाबा कहते बच्चे तुम्हें पूरे वर्षे के अधिकारी बनना है। बाबा आकर हम बच्चों को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बना रहे। तो बाबा कहते बच्चे तुम तो ये पूरा वर्षा लो, इसलिए हमें अपने विकारों को जीत कर पूरा वर्षा लेना है। सेंसिबल वह जो ये अविनाशी कमाई करे, क्योंकि ये कमाई हमारे साथ चलेगी। हम मुरली सुनते हैं आज की। मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव राजा बनाते हैं। ये बेहद की स्कूल है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं सुप्रीम शिक्षक और हम बेहद की स्कूल में बैठे हैं। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। पहले हमें पढ़ना है, ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरना है। प्रश्न है कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है। हम सब ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य है कि हम ऊंच पद पाएं। तो बाबा ने आज इस मुरली में हमें क्लियर किया है कि ऊंच पद पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। जो बच्चे अपनी झोली भर कर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। बुद्धि में ज्ञान को समाकर फिर मनन चिंतन कर जो बच्चे याद के बल से इसको धारण करते हैं और फिर औरों को सुनाते हैं, तो बाबा कहते ऐसे बहुतों को ज्ञान दान करने वाले सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। ये अंडरलाइन करने की बात है कि ऊंच पद जो हमें पाना है उसमें बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन से औरों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे बाप का नाम निकालते हैं। बाबा अपने खुश मिजाज और योगी बच्चों को याद कर रहे हैं जो बाबा का नाम बाला करते हैं, बाबा का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हमको अब वापस जाना है, आगे बिल्कुल जानते नहीं थे। बाबा ने हमको आकर स्मृति दिलाई कि बच्चे अभी वापस घर जाना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। समय के अनुसार बाबा की हर एक
समझाने, बाबा की शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है और वो राइट देखने में आती है। और कोई तो ये समझा ही ना सके कि अब हमको वापस जाना है। अब पवित्र कोई वापस जा ना सके, ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है। संगम पर ही बाप द्वारा ये ज्ञान हमें मिल रहा है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है, तो वापस जाना है तो जरूर पावन बनकर वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम तो कुछ भी नहीं था, अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। बाबा के आने की घड़ी ड्रामा अनुसार थी, लेकिन बाबा कहते अचानक होगा। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था, अचानक शिव बाबा ने प्रवेश किया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं, बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन जरूर होना है, आत्मा को पावन जरूर बनाना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी बहुत भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहां भी सत्युग में भी राव और रंक बनते हैं, वहां भी पद में तो अंतर रहता है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, अभी के हमारे पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं, यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो तमोप्रधान बनी है उसको सतोप्रधान बनाना है। ये बाबा ने हमें पुरुषार्थ के लिए लक्ष्य दिया है, ये आत्मा जो तमोप्रधान बनी है, देहभान देहाभिमान के वश हो गई, विकर्म किया हुआ है, इसको फिर से हमें संपूर्ण पावन सतोप्रधान बनाना है। अब सतोप्रधान कैसे बने ये भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने, आत्मा को पावन बनाना है, बाबा कहते हैं उसके लिए दैवी गुण भी धारण करने। ये है, हम कहाँ बैठे हैं सभी, ये है बेहद की स्कूल। अब स्कूल में रजिस्टर रखते हैं तो बाबा रजिस्टर हमारा देख रहे हैं, रजिस्टर में कौन से मार्क्स मिलते हैं, गुड बेटर बेस्ट का, तो बाबा ये रजिस्टर देख रहे हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो उसकी निशानी क्या है, बाबा कहते वो उछलते नहीं है। ज्ञान की उछल, याद की उछल या सर्विस की उछल नहीं है, उछल अर्थात उमंग उत्साह। सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। आज बाबा ने ये दैवी गुणों की धारणा को अंडरलाइन कराया है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अभी ब्राह्मण वर्ण के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। ये तो बहुतों को भूल जाता है, बाबा हमें अटेंशन दिलाते हैं। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े कि ब्रह्मा बाप द्वारा शिव बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं और हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये नशा चढ़े कि ऊंच से ऊंच कुल जिनको स्वयं बाप पढ़ाते हैं, भूल जाते हैं तो नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं और फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। शिव बाबा कहते कि ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। ब्राह्मणों की ये डिनेस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को ब्राह्मण समझेंगे तो देवता बनेंगे। ये बाबा कहते राज है कि ब्राह्मण समझेंगे अर्थात संपूर्ण पावन बनेंगे, फॉलो फादर करेंगे, तो बाबा कहते फिर देवता बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाता है, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर बाबा कहते अब पुरुषार्थ करना चाहिए। चलो भूल गए तो फिर से जैसे ही फ्री हुए, फारिग हुए तो पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है, काम पूरा हुआ फिर अपनी बात, बाबा युक्ति बताते हैं कि जैसे काम पूरा हुआ फिर अपनी ये पुरुषार्थ की बात। याद में बैठ जाओ तो
तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण ये हमारा एम ऑब्जेक्ट, तो बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भव है। बाबा की याद से हम ऐसा बन रहे हैं, यही मन मना भव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं, तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं कि किनको बहुत अच्छी लगन लग जाती है, याद की, सर्विस की अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। बाबा कितना सहज करके हमें समझा रहे हैं। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भव, ये वही गीता एपिसोड है। इस समय बाबा कहते वही गीता एपिसोड चल रहा है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं, ये सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि देह का भान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, ये समझाने कोई भक्ति में नहीं दी जाती है। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप आकर ही देते हैं, तो बाबा आकर हमें ये शिक्षा देते हैं कैसे मन मना भव की स्थिति में रहना है, अपने को आत्मा समझना है, देव भान को छोड़कर बाबा को याद करना है। ये निश्चय है, देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, हमें पावन बना रहे हैं, तो बाबा कहते तुमको पवित्रता सिखाते हैं, ये भी आधा कल्प कायम रहेगी। ये पवित्रता की धारणा हमारी आधा कल्प कायम रहेगी, वहां रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अभी जीत प्राप्त कर रहे हो। यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल पहले जैसी राजधानी स्थापन की थी, वैसे अभी फिर से कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो विनाश की सीन्स जब देखते हैं तो बाबा कहते हैं ये स्मृति रखनी है कि हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहां सत्युग में सोना ही सोना होगा, संपूर्ण प्राप्तियां होगी, स्थूल रूप से भी भरपूरता होगी, जो था वो फिर होगा, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते है ना, ध्यान में सोने की ईंटें देखी, तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो ना, अब वहां की चीजें तुम यहाँ ला नहीं सकते हो, वह तो साक्षात्कार है। भक्ति में तुम इन सब बातों को नहीं जानते थे, अब बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए, तुम्हारे बगैर बेआरामी होती है। बाबा को हमारी याद आती है, बाबा कहते तुम्हारे बगैर बेआरामी होती है, जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाऊं, बाबा का कितना प्यार है हमारे लिए। तो बाबा कहते जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल आता है बस जाऊं, बाबा को भी ख्याल आता है बस जाऊं और बच्चों को सुखी बनाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं है, दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है। कलयुग में हम देख रहे हैं, बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि देहाभिमान के वश खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो, राम को जानते ही नहीं है, निराकार राम को तो जानते ही नहीं है। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शुभता है, बाबा ने अपना आकर सही नाम बताया है, तो बाबा कहते शिव बाबा कहना शुभता है। भक्ति में कोई रस नहीं,
यहाँ जब हम पहचान से शिव बाबा कहते हैं तो कितना रस मिलता है, सुख मिलता है। बाबा कहते भक्ति में तो कोई रस नहीं, तुमको अब रस आता है, बाबा से मिलन का, बाबा से प्राप्तियों का सुख अनुभव होता है, तुमको अब रस मिलता है। तो बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुखधाम चली जाएगी, शांति धाम से आपे ही सुखधाम चली जाएगी, वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, तो ये सागर की कोई बात नहीं है, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। ये निशानी है कि गर्भ में आत्मा जो संपूर्ण पावन है वो बड़े आराम से रहती है। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं तो प्रवेश करता हूं, मैं बच्चा नहीं बनता हूं। तो बाबा अपने अवतरण का राज बताते हैं कि मैं प्रवेश करता हूं, मैं बच्चा नहीं बनता हूं। अब मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं, क्योंकि शिव अवतरण का रहस्य तो जानते नहीं है, इसलिए बाबा कहते मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ उसको से दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं, मैं सभी को साथ ले जाता हूं। तो बाबा आए हैं, सभी को साथ ले जाएंगे, फिर तुमको भेज देता हूं, फिर मेरा पाठ पूरा। हम सत्युग में चले आते हैं तो शिव बाबा कहते मेरा पाठ पूरा, आधा कल्प कोई पाठ नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है। बाबा हमें दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराते हैं, तो ये बाबा का पाठ फिर भक्ति में शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी। नॉलेज को धारण कर जब दूसरों को सुनाएंगे तो बाबा कहते खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते हैं तो अच्छा लगता है, बाबा के सम्मुख बैठकर सुनते हैं अच्छा लगता है, फिर बाहर जाने से बाबा कहते भूल जाते हैं, जैसे जेल बर्ड्स होते हैं, कोई ना कोई शरारत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही, गर्भ में रियलाइजेशन होती फिर वहां की वहां रही, ये सब बातें बनाई हुई है तो मनुष्य कुछ पाप कर्म न करे। तो बाबा कहते ये शास्त्रों में ये बातें सब बताई हुई है मनुष्यों को थोड़ा सावधान करने के लिए कि मनुष्य कुछ पाप कर्म न करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है, तो कोई छोटेपन में पंडित बन जाते हैं, शास्त्र आदि उच्चारण करते हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं, लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। बाबा ये राज हमको समझाते हैं, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी ही कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, बाबा जो हमारी धारणाएं करा रहे हैं, बाबा कहते हैं ये पवित्र संस्कार तुम ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद प्राप्त करते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं, रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी फिर पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते, कैसे आत्माएं यहां से जाएंगी और परमधाम जाकर फिर कैसे स्वर्ग में आएंगी, ये बाबा कितना अच्छा राज समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं, अवस्था ऐसी है तो फिर पद भी ऐसा मिल जाता है, जैसी धारणा वैसा पद। बाबा कहते जैसी अवस्था हम बनाते हैं पद भी फिर ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है। आज बाबा ने कहा है कि हमें सर्विसेबल बनना है, औरों को ज्ञान दान देना है, तो बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको नहीं दे सकते।
कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा कहते अंत में जब रिजल्ट होगी तब कहा जाएगा कि कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ कराए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। मुझ पद बाबा कहते तब बने जब हम किसको सुनाए, ज्ञान रत्नों का दान दे। नंबर वन तो है कहां राव कहां रंक। तो बाबा हमको प्रेरणा देते हैं कि हमको तो राव बनना है। यह अविनाशी ज्ञान रतन राव बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। यह बेहद की स्कूल है। तो बाबा हमको कितना मोटिवेट करते हैं कि ये बेहद की स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सभी ग्रेड के हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं है, वहां तो है ही उतरने की बात। शोभनिक बहुत है भक्ति, बाबा कहते शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते हैं स्तुति करते हैं, यहाँ तो शांति में रहना है। भजन आदि कुछ भी नहीं है, तुमने आधा कल भक्ति की है। भक्ति का कितना शो है, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता है कोई चढ़ता है, कोई की तकदीर अच्छी कोई की तकदीर कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। बाबा हम सबको तदबीर अर्थात पुरुषार्थ एक रस कराते हैं। बाबा कहते फिर पुरुषार्थ कर वो तकदीर बनाने का आधार हमको हमारे ऊपर है। तो बाबा इसलिए हमें समझाते हैं कि कोई अपनी ऊंच तकदीर बना लेता कोई कम। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई तो एक रस है, बाबा एक रस हमको समझाते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर भी एक है, बाकी सब है मास्टर्स। बाबा से हम सीखते हैं और फिर बाबा की ये नॉलेज औरों को समझाते हैं। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं है तो बोलो घर में आकर पढ़ाएं, बाबा युक्ति समझा रहे हैं। क्योंकि उनको अपना अहंकार रहता है, एक को हाथ में करने से औरों पर भी असर पड़ता है। एक बड़ा समीप आ जाता है तो उनके साथ जुड़े हुए अनेक आत्माएं उन पर भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहे कि ये ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इनको ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया है, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर चाहिए। बाबा ने पहले हमें अंडरलाइन कराया कि सर्विसेबल बनना है, फिर अब बाबा हमें पक्का करा रहे हैं कि योग की पावर चाहिए, योग का बल चाहिए। ज्ञान तलवार है तो योग का जौहर चाहिए। वो ज्ञान का बाण उस आत्मा को महसूस हो, टचिंग हो, उसके लिए ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। और फिर धारणा भी चाहिए। तो बाबा कहते खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे, बाबा का नाम पाला करेंगे। नंबर बार तो है राजधानी बननी है। बाबा कहते धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। बाबा को जितना प्यार से याद करेंगे उतना लव बाबा के साथ हमारा रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ है, आत्मा की सुई बुद्धि रूपी सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है। चुंबक हमारा मीठा बाबा, कट होगी देहभान होगा तो खींचेगी नहीं, बाबा की याद नहीं खींचेगी हमें। यह भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो पावन बन जाते हैं तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाबा की याद से कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, भक्ति में गायन है गुरु की बलिहारी, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब वह तो सगाई करने वाले गुरु मनुष्य है, तुमने सगाई शिव के साथ की है न कि ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मा बाबा तो सिर्फ निमित्त बना, सगाई तो हमारी उन्होंने शिव बाबा से कराई, तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र की तो जरूरत ही नहीं। सगाई पक्की हो गई फिर एक दो को याद करते रहते हैं, इनको भी दलाली मिल जाती है। पक्की हो गई सगाई, बाबा के पक्के बच्चे हो गए तो हम याद शिव बाबा को करते हैं और ब्रह्मा बाबा को भी दलाली मिल जाती है।
सगाई का भी मिलता है ना, दूसरे फिर इनमें प्रवेश करते हैं, शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो यह भी कशिश करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी हमें कशिश करते हैं, इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा की भी अलौकिक पालना हमें मिलती है। तुम बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको अजूरा मिलेगा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो क्या होगा, आशीर्वाद मिलती जाएगी। पैसे की दरकार नहीं है। बाबा उदाहरण देते कि मम्मा के पास भल धन नहीं था परंतु बहुतों का कल्याण किया। मम्मा ने कितनी आत्माओं को ज्ञान धन दिया, ज्ञान रत्नों से उन्हें भरपूर किया, उनका कल्याण किया। ड्रामा में हरेक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो भी बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। तो धन से भी जो सेवा करते बाबा कहते उनको भी बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। अब साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती है। प्रजा में भी साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है। नंबर वन तो राव बनना है, लेकिन बाबा कहते उसके बाद फिर भी साहूकार बनना अच्छा है। वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। इस समय के जो बाबा के गरीब बच्चे हैं वही साहूकार बनते हैं, क्योंकि वही इतना पुरुषार्थ करते हैं, बाबा पर समर्पित होते हैं, बलिहार जाते हैं और साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया, तो ये एग्जाम्पल बने साहूकार थे और कैसे ब्रह्मा बाबा ने फट से सब कुछ बाबा को दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसा हो देने वाला। बाबा ने प्रवेश किया और सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहते थे, बड़े बड़े मकान, मोटर, बस आदि सब कुछ था। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ धन समर्पित कर लिया और यज्ञ की पालना हुई उससे। अब आप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाना देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो। तो बाबा क्या कहते, लेने का दम नहीं है। बाबा तो अथाह खजाना दे रहे हैं, हम धारणा नहीं करते हैं, अर्थात लेने का दम नहीं है, शक्ति नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे अपनी झोली भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाबा कहते तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ। फिर भी नंबर वार है जो अपनी झोली भरते हैं। बाबा से जो ज्ञान रत्न हमें मिल रहे हैं उसका मनन चिंतन कर जितना हम उसको धारण करते हैं उतना अपनी झोली भरते हैं। वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा ही नहीं तो देंगे क्या, धारणा ही नहीं की होगी तो फिर देंगे क्या। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी रीति समझना है और समझाना है, बाकी मेहनत है योग की। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, बाबा हमें सावधान करते हैं, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, माया के साथ हमारी युद्ध है। बाबा कहते नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, ये समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना वर्षा देते हो, बाबा से हमें संपूर्ण वर्षा, सारे खजाने मिल रहे हैं। उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। हम पावन भी बनते हैं और विश्व को भी पवित्र बनाते हैं। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो, इस ज्ञान को जितना धारण किया उतना ऊंच पद प्राप्त करते हो, उस अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी ये अविनाशी कमाई
इस समय जो ज्ञान रतन हम धारण करते हैं, जो श्रेष्ठ कर्मों की कमाई करते हैं श्रीमत पर चलने से, बाबा कहते हैं अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वो क्या कहेंगे, ये हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। जो सेंसिबल होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, तकदीर में नहीं तो फिर पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इसी नशे में रहना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर औरों को दान करना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। बाबा ने आज का वरदान दिया है, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन में हर कर्म में कभी भगवान के सखा का व सखी के रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे। बाबा ने हमें अनेक संबंध स्मृति दिलाए, सारे दिन में हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी के रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, और जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ये स्मृति स्वरूप को इमर्ज करूं तो दिल खुश हो जाएंगे और बाबा के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। बाबा के सर्व संबंधों का रस अनुभव होगा तो ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। बाबा का स्लोगन है, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति।